सीबीआई की छापेमारी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें लिखने से रोकना चाहती है, जैसा कि वो बाकी विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और एनजीओ सिविल सोसाइटीज के साथ कर रही है। पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार उन्हें और उनके बेटे और उसके दोस्तों को टारगेट करने के लिए सीबीआई और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस बीच कार्ति चिदम्बरम ने भी छापेमारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कार्ति ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। कार्ति के मुताबिक छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए।